Welcome back from the break. Aaye chalte hain Merve Şebnem se agle sawal ki taraf. Merve, I want to go to the next question, right? How was your experience and how important was your trip to Pakistan, Kashmir and the LOC boundary? Yeah, it was quite an important visit to Kashmir. I went to Muzaffarabad first, then I went to LOC. Okay. You know, it's a disputed place, it's a disputed zone, but India does not accept it. So seeing this place with my own eyes was really quite important. After Pulwama attack, we talked about it. After the aircraft incident, we talked about it a lot in Turkey. But India's revoking the institutions, Article 370, was quite important step for at the illegal annexation of Kashmir. Okay. But we didn't talk about a lot about it, since, you know, Turkey has its own problems. So I came here to make a big issue in Turkey, actually. जी, मारवी सब ने मरूज ये कह रही थी कि ये उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रिप थी, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, और ये वो ये भी कह रही थी कि कश्मीरीज जब वो जाके मिली वहाँ फैमिली से, तो कश्मीरीज जो दूसरी साइड लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कश्मीरी फैमिलीज हैं उनसे मिलना चाहती हैं, उनके काफ़ी कजन्स, भाई बहन, दूर के रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, वो बिल्कुल ही उस लाइन पार रहते हैं, मगर इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। जाके वहाँ फैमिली से बात की तो वही फैमिलीज उनको कह रही थी कि जी, हमारी असल में जो दूसरे पार जो फैमिलीज हैं उनसे हमारी बात नहीं हुई, एक महीना हो गया और बहुत सारे दिन हो गए हैं, उनसे बात नहीं हो पाती, उनसे मुलाकात नहीं हुई, और वो बहुत ज़्यादा वरीड थे इस मामले को लेके। और उन्होंने आगे ये भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मारवे शबनम अरूच इस चीज़ को खुद भी एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट इस चीज़ को समझती हैं कि ये एक इलीगल एनेक्सेशन हुई है जो नरेंद्र मोदी की बर्बरियत और जो उसकी गवर्नमेंट ने जो बर्बरियत की है, ये एक इलीगल एनेक्सेशन हुई है कश्मीर की। उन्होंने फर्दर ये भी बताया कि तुर्की में बहुत चर्चा हुआ और बहुत सी डिस्कशन हुई पुलवामा अटैक पर, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के जहाज मार गिराए और उनको निस्तो नाबूद किया, इस चीज़ का बड़ा चर्चा हुआ और बहुत सी डिस्कशन हुई टर्की में इसके बारे में। और लास्टली उन्होंने ये फरमाया कि वो यहाँ आई ही इसलिए हैं कि वो जब वापस तुर्की जाएंगी तो कश्मीर का इशू वहाँ जाके उठाएंगी, और जिन सर्कल्स को इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है उनको जाके और ज़्यादा इंफॉर्मेशन और ब्रीफ करेंगी कि उन्होंने यहाँ आके क्या देखा, फैमिली से क्या गुफ्तगू की, और सारी ब्रीफिंग्स और सारी के सारे इंटरव्यूज़ और सारे के सारी ऑब्जर्वेशन के बाद जो उनकी नज़र के मुताबिक इंडिया बर्बरियत कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो गैदर करके टर्की जाएंगी और इस चीज़ की इंफॉर्मेशन वो वहाँ सर्कल्स, लॉबीज और डिफरेंट जर्नलिस्टिक सर्कल्स और एनालिसिस को फर्स्ट हैंड जाके अपना अकाउंट बताएंगी कि जी, मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान की ट्रिप में, पाकिस्तान में जब वो कश्मीर में गई उसकी ट्रिप में, और LOC पे जो उनका एक्सपीरियंस रहा वो। आए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो सवाल ये है कि मैं पूछूंगा मारवे शबनम अरूच से कि जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे गई तो एक्सपीरियंस कैसा था, वो तो पिछले सवाल में भी किया मगर मजीद उनसे एक्सपीरियंस का पूछेंगे, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ब्रीफिंग्स में उनको क्या बताया गया, ये सब चीज़ें हम उनसे डिस्कस करते हैं। Merve, आई वांट टू गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू वेंट टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, हाउ इज द एक्सपीरियंस देयर एंड व्हाट डिड यू लर्न देयर व्हिच इज ऑन रिकॉर्ड इन ब्रीफिंग? What did you learn there by the commanders when you got briefed? And also, what was your personal observation when you went there in the line of control? What could you feel? What could you see? What's on record? Tell us a little more about that. Yes, the commanders gave us a very comprehensive briefing, actually. We asked whatever we want to ask, and they were so polite to answer all of them, actually.
And we learned that we saw these statistics from the eyes of Pakistan, but also they shared the India's perspectives as well. So we had the chance to compare both. Okay. And we saw it with our own eyes. There was this contradiction between them, but also India's arguments are contradicting with themselves, with their own arguments. So it was quite comprehensive, but also very logical, very reasonable briefing, and they convinced us. But other than that, the officials say things, but the people, the ordinary people like us, tell the truth. So after visiting LOC, where, you know, there is posts, Pakistan post, check post, and India check post, and there are like, there is like 70 meters between them, and the soldiers see themselves eye to eye. After seeing all these control posts, I went to the locals and talked to them, and what they say was really made me cry, actually. They made me cry. Kashmir, the other side, but also now attacking Azad Kashmir side. I asked them, why don't you leave your homes? You are under danger. You are under attack here. You are in danger. They saw that. They told us, no, we want to fight. We are saying Pakistan that let's open the gates and we want to go and save our brothers and sisters. I admired their courage and their zain. It was very amazing. जी मारवी सबनम रूज ने ये कहा कि जो उनकी गुफ्तगु हुई है वहाँ के लोकल से उनको रोना आ गया. इट मेड हर क्राई. उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस ट्रिप ने कि इंडिया की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो वो दुनिया को जाके बताता है वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट्री हैं, यानी कि वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं. कभी वो कुछ बात कहता है, कभी वो कुछ बात कहता है. उसकी आर्ग्यूमेंट्स की कोई स्ट्रेंथ नहीं है इंडिया की. फिर उन्होंने फर्दर ये कहा मारवी सबनम अरूज ने कि जब वो गई एलओसी के ऊपर तो इंडिया इज द अग्रेसर, इंडिया वहां से अटैक करता है पाकिस्तान साइड के ऊपर. उन्होंने वो निशानात देखे, वो स्ट्रक्चर्स जो डिस्ट्रॉय हुए थे वो देखे, और उन्होंने बाय प्रूफ अपनी आंखों से आई विटनेस किया हुआ, लोकल्स की भी स्टोरीज पूछी कि लोकल्स कहते हैं कि किसी भी रीजन के बावजूद इंडिया का जब मूड होता है वो पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे अटैक करता है, और हमारी बहादुर अफवाज उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देती है, मगर अग्रेसर जो है वो इंडिया है. और लास्टली उन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत बात कही कि जब वो लोकल्स के पास वहाँ गई और उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ से मूव आउट क्यों नहीं होते, यहाँ से अपना घर छोड़ के आप और ये छोड़ के किसी और शहर में क्यों नहीं आप चले जाते, यहाँ तो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है. तो वहाँ लोकल्स मारवी सबनम अरूज को जवाब में ये कहती हैं कि आप यहाँ छोड़ने की बात कर रही हैं, छोड़ने की बजाय हम तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से ये मुतालबा करते हैं, हम वहाँ जाके इंडिया को बताएं कि हम कितने ना डर हैं और कितना हमारे में गम और गुस्सा है कि उन्होंने हमारी दूसरी साइड की जो फैमिली है बिल्कुल एक लाइन पार जो हमारी फैमिलीज रह रही हैं, जो हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं, उनके ऊपर जो इंडियंस ने बर्बरियत की है, हम उस चीज़ को प्रोटेस्ट के अंदर अपना गम और गुस्सा बताना चाहते हैं कि आप बोलें और हम क्रॉस कर देने के लिए तैयार हैं और प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं. एक दफ़ा सिर्फ इशारा कर दें इमरान खान या हमारा प्रेजिडेंट आरिफ अलवी तो वहाँ के लोकल्स तैयार हैं मारवी सबनम अरूज के जो उनकी आई विटनेस है उनके मुताबिक. अगले सवाल की तरफ चलते हैं मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद. टेक अ ब्रेक.